हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे मैं आज आपके लिए लाई हूँ स्पेशल येलो कलर स्टेशनरी कलेक्शन, जिसमें आज है मेरे पास अमेजिंग अमेजिंग स्टेशनरी और टॉय के प्रोडक्ट्स, जिसको आज हम एक एक करके चेकआउट करेंगे और देखेंगे कि इन सब में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो आज पूरी बास्केट भर के ये सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए है, तो चलिए एक एक करके चेकआउट करते हैं। आप भी पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो एंड तक देखने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगे उसके बारे में ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इनमें से अगर आपके पास भी कोई प्रोडक्ट है तो वो भी मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रोडक्ट मेरे पास क्या है? मेरे पास आज का सबसे पहला प्रोडक्ट ये एक इरेजर, जो कि है चॉकलेट इरेजर, जो कि एकदम यहाँ पे चॉकलेट लुक में दिखती है, और इसके ऊपर बने हुए हैं यहाँ पे मैंगोस, तो यानी ये मैंगो इरेजर, मैंगो चॉकलेट इरेजर। इसके कवर को यहाँ पे रिमूव करते ही आपको इसके अंदर दिख जाएंगे यहाँ पे 6-6 चॉकलेट स्लाइड्स। ये देखो, चलो इसको ओपन करते हैं। तो ये कुछ ऐसे 6-6 चॉकलेट स्लाइड्स मिल जाते हैं, जिसके ऊपर लिखा भी हुआ है नाइस, और ये पूरा येलो कलर का यहाँ पे जो है लुक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे एक और ये आइसक्रीम लुक का येलो कलर का ही एक इरेजर, जो कि बिल्कुल लेमन के लुक में दिख रही है। देखो, इसके अंदर दो दो लेमन स्लाइस जैसा ये आइसक्रीम दिख रहा है, जिसमें हम इजीली इससे इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे येलो कलर का और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में ये डायनासोर के लुक वाला ये क्यूट सा वैक्स क्रियॉन कलर, जिसमें मिलते हैं 6-6 वैक्स क्रियॉन कलर। इसके ऊपर बना हुआ है ये डायनासोर का पूरा थीम। ये देखो, कितने सारे डायनासोर इसके ऊपर है, और यहाँ डायनासोर लिखा भी हुआ है। तो दोस्तों, इसको ओपन करते ही यहाँ मिलते हैं ये 6-6 कलर्स, जो कि है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही प्यारे यहाँ पे कलर्स, वो भी वैक्स क्रियॉन कलर। ये हमें मिलते हैं यहाँ पे ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, ऑरेंज और पर्पल कलर, जिसमें आप इसको इजिली वर्क कर सकते हो। इनकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। सो ये 6-6 कलर्स। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास क्या है? नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये छोटा सा येलो कलर का स्कूटर। ये देखो, छोटा सा येलो कलर का स्कूटर, जिस पर बैठ करके हम यहाँ पे ट्रैवल करने जाएंगे। सो ये क्यूट सा येलो कलर का स्कूटर, बल्कि स्कूटर क्या है, ये स्कूटर एक शार्पनर है। इसके ऊपर देखो IMS स्टार लिखा हुआ है, और इसके नीचे मिल जाता है ये शार्पनर, जिसमें हम अपनी पेंसिल डाल के शार्पन कर सकते हैं, और सारा डस्ट कलेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, जिसे हम इजीली यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ से ये सीट रिमूव करने के बाद इसमें आप सारा डस्ट क्लीन कर पाएंगे, और इसको वापस से यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं। सो ये स्कूटर के लुक वाला ये क्यूट सा एक शार्पनर। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये बनाना लुक वाला एक ये पेंसिल, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे बनाना है, और ये बनाना लुक की पेंसिल है, जिसे हम बैक साइड से प्रेस करेंगे तो यहाँ हमें ये पेंसिल मिल जाएगी, जो कि एकदम मैकेनिकल पेंसिल के लुक जैसी दिखती है, और इससे वर्क करने के बाद आप इसे इजीली क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये पेंसिल बॉक्स, जो कि है अगेन डायनासोर के लुक में, येलो कलर और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में, जिसके ऊपर बने हुए हैं बहुत सारे डायनासोर। यहाँ पे डायनासोर स्केटिंग करता हुआ, यहाँ पे खेलता हुआ, और यहाँ पे तो अंडे में से निकलता हुआ डायनासोर। तो ऐसे ही क्यूट सी पिक्चर बैक साइड में भी है, जो कि स्केट करते हुए डायनासोर की है। यहाँ पे हमें ABCD सारे अल्फाबेट्स मिल रहे हैं A to Z तक, और यहाँ पे हमें मिलते हैं टेबल्स भी 1 into 1, 1 into 2, और ऐसे ही यहाँ पे 9 into 9 सारे टेबल्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको ओपन करते ही हमें मिलती है इसमें बहुत सारी स्पेस, जिसमें आप अपनी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कलर सब रख सकते हैं। सो ये काफी ज्यादा स्पेस वाला अमेजिंग पेंसिल बॉक्स। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये येलो कलर का एक और डायनासोर के लुक वाला एक करेक्शन टेप, जिसमें मिलता है ये ट्रांसपेरेंट लुक। ये देखो, ये येलो कलर का ट्रांसपेरेंट लुक, जिसके ऊपर बनी हुई है ये करेक्शन टेप की पिक्चर, और यहाँ पे इसको ओपन करते ही इसे हम करेक्शन टेप की तरह यूज कर सकते हैं, जो कि प्योर व्हाइट कलर में है। सो ये करेक्शन टेप जैसे ही आपको यूज करनी हो, आप वहां पे स्लाइड कर दीजिए और ये करेक्शन टेप यूज हो जाएगी। और इसका लुक देखेंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक है, जिसके अंदर ये बिल्कुल बिग बिग यहाँ पे रोलर्स दिख रहे हैं, जैसे कि बिग मशीन में होते हैं, जस्ट वैसे ही। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे क्यूट सा स्माइली लुक का ये एक कॉइन बॉक्स, जिसमें हम अपनी कॉइन रख सकते हैं। इसमें मिलता है देखो ये क्यूट सा स्माइली, जिसकी 2 आईज और ये एक प्यारा सा स्माइल है, और यहाँ पे हमें ये अटैचर भी मिलता है, जिससे इजिली इसको कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 जिप स्लाइडर्स हैं, एक आप ओपन कीजिए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये स्पेस, जिसमें हम यहाँ पे अपने सारी मनी या फिर और भी प्रोडक्ट रख सकते हैं। सो यहाँ पे आप अपने जो भी प्रोडक्ट रखना चाहो रख सकते हो, और इसको फिर से बंद कर सकते हैं। देखो कितने इजिली, और इसमें आपके बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारे इरेजर और शार्पनर्स भी आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये एक पेंसिल बॉक्स, जो कि है यहाँ एक लॉयन के लुक के यहाँ पे
पेंसिल बॉक्स जिसमें ये प्यारा सा लायन की पिक्चर बनी हुई है, और यहाँ पे भी बिग लायन की पिक्चर जिसने हार्ट शेप के गॉगल्स भी पहने हुए हैं। ये देखो कितना बिग पेंसिल बॉक्स है और बैक साइड से बिल्कुल प्लेन पेंसिल बॉक्स। चलो इसको ओपन करके देखते हैं। ओपन करते ही यहाँ मिल जाता है हमें ये एक टाइम टेबल जिसमें आप अपने टाइम टेबल फिलअप कर सकते हो। दूसरा हमें मिलता है यहाँ पे ये एक कंपार्टमेंट जिसमें आपकी पेंसिल इरेजर शार्पनर आप यहाँ रख सकते हो। और दूसरी साइड में हमें मिल जाता है यहाँ पे ये और भी ज़्यादा स्पेस जिसमें आपके बाकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो ये टू कंपार्टमेंट वाला एक बिग पेंसिल बॉक्स जिसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स आप रख सकेंगे। इसको भी कर देते हैं बंद। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये आइसक्रीम की शेप का एक इरेजर जो कि है कुछ इस तरीके से। ये देखो ये बिल्कुल एक क्यूट सा आइसक्रीम दिखता है। इसे आप देखोगे तो ये आइसक्रीम का लुक दिखेगा जिसके नीचे एक स्टिक भी अवेलेबल है। और इस स्टिक को खींचते ही यहाँ एक ड्रॉअर की तरह मुझे मिल जाता है जिसमें हमारी ये छोटी सी क्यूट सी इरेजर रखी हुई है जो कि प्यारी सी एक बिग क्यूट डॉल जैसी लुक में है जिसके पास छोटा सा टेडी बियर भी है। इसको हम वापस यहाँ रख सकते हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक मैजिकल है। देखो इसको हम यहाँ पे मैजिकल बॉक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे ओपन करेंगे तो आपको इरेजर नहीं दिखेगी, और दोबारा से आप इसे ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ आपको इरेजर दिखेगी। तो है ना बढ़िया, ये बिल्कुल मैजिक वाली इरेजर जो कि आइसक्रीम लुक में है। तो इससे आप अपने फ्रेंड्स को मैजिक भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे यूनिकॉर्न का ये येलो कलर का क्यूट वाला मल्टीपल कलर्स वाला इरेजर जो कि एक पेंसिल जैसा दिखता है। तो ये एक बिग पेंसिल लुक में एक दिखने वाला यहाँ पे ये इरेजर है जिसके ऊपर ये यूनिकॉर्न की प्रिटी सी पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पे देखो यूनिकॉर्न का लोगो भी है, और ये प्यारा सा यहाँ पे रेनबो भी हमें दिख रहा है। यहाँ पे ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, व्हाइट सारे कलर्स मिल जाते हैं। सो ये सुंदर सा पूरा एक इरेजर जिसमें हमें ये सारे एक बिग यूनिकॉर्न के लुक में मिलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये एक फाउंटेन पेन जो कि है येलो कलर का फाउंटेन पेन जिसमें हमें मिलता है एक हाईलाइटर। इसे हम इजिली ओपन कर सकते हैं। ओपन करते ही यहाँ पे मिल रहा है ये येलो कलर का हाईलाइटर जिसे आप देखो कितना ईजिली यूज कर सकते हो, कितना शाइनी कलर है ना प्रिटी। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये येलो कलर का एक बास्केटबॉल लुक वाला एक पेन जिसके ऊपर बनी हुई है ये बास्केटबॉल प्लेयर की पिक्चर, साथ ही में बना हुआ है ये बास्केटबॉल का लोगो, और देखो कितना प्रिटी लग रहा है। इसके ऊपर मिलते हैं ये क्यूट से बनी वाले ईयर्स भी। ओपन करते ही यहाँ मुझे मिल जाता है ये एक पेन जिससे हम इजिली वर्क कर सकते हैं और इसको वापस बंद कर सकते हैं। पूरा ही लुक कितना प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये एक स्पॉन्जी वाले लुक वाला पेंसिल जो की है मैकेनिक पेंसिल। इसके पूरे पेन में हमें मिलता है यहाँ पे जिगजैग वाला लुक जिसे देखो आप इजीली प्रेस भी कर सकते हैं और इससे वर्क भी कर सकते हैं। इसके ऊपर है ये क्यूट सा स्पॉन्जी कैरेक्टर जिसके ऊपर यहाँ पे ये टू बनी जो है इसके टीट वाला लुक दिख रहा है, और देखिए कितने प्यारे इसकी ईयर आईज भी हैं। सो इससे हम यहाँ पे वर्क करेंगे और वापस से हम इसमें जो है इसके टिप्स को अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए कितना प्यारा ये पेंसिल। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे एक मिनियंस वाला पेंसिल बॉक्स जिसके ऊपर मिलता है मुझे एक कैलकुलेटर भी जिसके ऊपर आप देखिए कितनी प्यारी मिनियंस की पिक्चर बनी हुई है फ्रंट और बैक साइड दोनों के लुक में। बैक साइड में है यहाँ पे मिनियंस के लॉट्स ऑफ पिक्चर्स जिसमें कितने सारे मिनियंस हैं, और इनका ये लेडी कैरेक्टर भी है। और देखिए यहाँ पे ये साइड लुक्स में हमें मिल जाते हैं टू शार्पनर्स, और ये शार्पनर कॉम्बो हमें मिलते हैं जिसमें हमें यहाँ पे ये डस्ट कलेक्टर शार्पनर मिल जाता है, और इसके ऊपर मिल रहा है ये एक प्यारा सा एक हमारा कैलकुलेटर भी। देखिए कितना प्रिटी है। चलो इसे ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सी स्पेस और कैसी जगह हमें यहाँ पे मिल रही है अपने प्रोडक्ट रखने के लिए। तो यहाँ पे है बैक साइड में ये पूरा फुल स्पेस जिसमें आप अपनी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब रख सकते हैं। और फ्रंट लुक की तरफ आए तो फ्रंट लुक में हमें मिलता है यहाँ पे टू शार्पनर कॉम्बो जो कि है एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर, और साथ ही में मिलती है हमें ये पेंसिल होल्डर्स जिसमें हम अपनी पेंसिल्स या पेन यहाँ पे होल्ड करा सकते हैं, वो भी टू यहाँ पे हमें होल्स के साथ। साथ में हमें यहाँ मिलता है एक कैलकुलेटर जो कि एक वर्किंग कैलकुलेटर है, और ये है हमारा मेन प्रोडक्ट जिसमें हम अपनी पेंसिल्स यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसमें मिलता है हमें ये पेंसिल अटैचर और साथ ही में ये कैलकुलेटर को छुपाने के लिए स्पेस भी। तो आप भी अपनी कैलकुलेटर को अंदर कर सकते हैं, और दूसरी साइड पे आपको ये पिकाचू की पिक्चर मिल जाएगी। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे येलो कलर का ये क्यूट सा सीजर जो की है प्लेन सिंपल सीजर, और वो भी प्लास्टिक का जिससे आप अपने पेपर्स कटिंग कर सकते हैं। तो ये आपके क्राफ्ट में काफी वर्क करेगा। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये एक मल्टी कलर वाला डायनासोर वाला पेन जिसके ऊपर बने हुए हैं ये डायनासोर की थीम की बहुत सारी पिक्चर, और साथ में यहाँ पे मुझे कितने सारे कलर्स एक ही पेन में मिल रहे हैं। यहाँ पे रेड, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, और साथ ही में यहाँ पे आपका
ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर सारे कलर्स मिल जाते हैं और ये सारे कलर्स आप इजीली इसमें वर्क कर सकते हैं। देखिए कितने सारे कलर्स हैं, इसमें आपको रेड कलर चलाना है तो आप रेड कलर को नीचे यहाँ पे प्रेस कीजिए और ये रेड कलर चल जाएगा। आप दूसरी साइड से आपको ग्रीन कलर अगर आपको चलाना है तो ये आप यहाँ पे ग्रीन या ब्लू जो भी कलर यूज़ करना है उसको ऐसे नीचे पंच कीजिए और देखिए ये अब आपका ग्रीन कलर चल जाएगा। तो ऐसे ही सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे और इसके ऊपर ये प्रिटी सा डायनासोर का पिक्चर भी है। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे मिनियंस की ये स्वीट सी स्टेशनरी सेट जो कि है येलो कलर की क्यूट मिनी स्टेशनरी सेट, वो भी मिनियंस वाली। इसमें हमें मिलती है कुछ ऐसी स्पेस जिसमें हम अपने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, वो भी यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसको ओपन करते हैं, ओपन करते ही सबसे पहले मिलता है हमें ये एक पेंसिल बॉक्स जिसमें बनी हुई है मिनियंस के बहुत ही प्रिटी पिक्चर्स। उसमें देखो कितने सारे मिनियंस हैं और इस पर लिखा हुआ आई एम विथ स्टुपिड, तो यहाँ पे एक मिनियन और यहाँ पे टू मोर मिनियंस, टोटल थ्री मिनियंस की पिक्चर है। देखो कितना इंजॉय कर रहे हैं। बैक साइड पर यहाँ हमें मिलती है और भी अगेन मिनियंस की पिक्चर। इसको ओपन करते ही यहाँ मिल जाता है कुछ स्पेस जिसमें आपकी पेंसिल इरेजर शार्पनर सारे प्रोडक्ट्स आप रख पाओगे। नेक्स्ट हमें इसमें मिलता है ये एक पैक जिसमें हमें मिल जाते हैं ये क्यूट क्यूट स्टेशनरी प्रोडक्ट। सबसे पहले इसमें मिल रही है ये दो पेंसिल्स, वो भी मिनियंस के राउंड शेप की पेंसिल जिसके ऊपर देखो कितने सारे मिनियंस बने हुए हैं। नेक्स्ट इसमें हमें मिलती है ये इरेजर और ये शार्पनर जो कि है लॉन्ग पॉइंट शार्पनर विद व्हाइट कलर नॉर्मल इरेजर। फिर इसमें मुझे लास्ट में मिलता है ये एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल जो कि है यहाँ पे राउंड स्केल जिसको आप कैसे भी यहाँ पे घुमा सकते हैं। देखिए कितना प्रिटी स्केल है जिसे आप यहाँ पे कैसे भी मोड़ सकते हैं, ये भी 15 सेंटीमीटर लॉन्ग का। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये एक डाइस वाली इरेजर जो कि है एक छोटी सी क्यूट सी इरेजर जिसके ऊपर बने हुए हैं यहाँ पे होल्स। देखो यहाँ पे 1, 2, 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और 3, ये छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं जिसे हम डाइस की तरह खेल सकते हैं और ये है क्यूट सी एक स्मॉल इरेजर, है ना क्यूट। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे येलो कलर का एक डायनासोर का एक और प्रोडक्ट जो कि है ये एक स्पाइरल नोटबुक जिसमें हम बहुत कुछ नोट कर पाएंगे। देखो यहाँ पे साइड में हमें मिल जाती है स्पाइरल जिसके ऊपर बनी हुई है यहाँ पे भी डायनासोर की पिक्चर और बैक साइड में भी बहुत सारे डायनासोर। इसको ओपन करते ही इसमें मिलते हैं हमें ये ढेर सारे पेजेस जिसमें आप यहाँ पे बहुत कुछ नोट कर सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं और इसको बंद करके रख सकते हैं। काफ़ी मोटी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वान्टिटी इसमें हमें पेजेस की मिल जाती है। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये एक रोबोट की शेप का शार्पनर जो कि है ब्लू एंड येलो कलर का जिसमें हमें ये पूरा रोबोट लुक मिल जाता है। देखो कितना प्रिटी है, ऐसा एंग्री लुक यहाँ पे मिल रहा है इस रोबोट का जो कि बड़ा प्रिटी है। और बैक साइड में हमें ये हैंगर मिल जाता है जिस हैंडल से हम यहाँ पे अपनी पेंसिल शार्पन कर सकते हैं। तो कैसे करना है इसको यूज़, चलिए बताते हैं। यहाँ पे मेरे पास है एक पेंसिल जो कि हम इसके नोज़ वाले एरिया में यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि ये है हमारा शार्पनर का हॉल। और बैक साइड से हम इस हैंडल को ऐसे घुमा देंगे जिससे हमारी ये पेंसिल इसके अंदर शार्पन हो जाएगी। और ओपन करते ही देखो कितनी अमेजिंग और कितनी प्यारी पेंसिल हमारी शार्पन हो गई है, कितनी शार्प तरीके से। और इसका सारा डस्ट कलेक्ट हो जाता है इसके पूरे अंदर के बैक साइड में जिसे हम बैक साइड से ओपन करके इस ट्रे के थ्रू करके यहाँ से निकाल सकते हैं और वापस इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये पिकाचू वाला एक एडजस्टेबल पेंसिल पाउच जिसको हम यहाँ पे एक्सटेंड करके छोटा और बड़ा दोनों कर सकते हैं। देखो ये एक छोटा सा पेंसिल पाउच और ये अब बड़ा वाला पेंसिल पाउच जिसके ऊपर बना हुआ है ये क्यूट सा पिकाचू की फोटो जो कि बड़ी ही प्यारी लग रही है। तो ये क्यूट से पिकाचू की फोटो के साथ ये प्यारा सा एक हमारा क्यूट सा एक पेंसिल पाउच इसमें हमें मिलती है ये जिप जिसे ओपन करते ही यहाँ मिल जाती है काफी सारी स्पेस जिसमें आप अपनी पेंसिल इरेजर शार्पनर रख सकते हैं। देखो ये पेंसिल मैंने इसमें रखी और ये मेरा पेंसिल स्टैंड की तरह भी वर्क कर गया। और इसको हम वापस से इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स भी अटैच करके रख सकते हैं और इसको कर लेंगे बंद। देखिए कितनी सारी स्पेस इसके अंदर है, पूरा सिलिकॉन का बना हुआ सुंदर सा पिकाचू लुक वाला पेंसिल पाउच। नेक्स्ट है मेरे पास एक और यहाँ पे पेंसिल शार्पनर जो कि है बिग बिग पेंसिल शार्पनर, सिंपल एंड ईजी टू यूज जो कि आपके यहाँ पे बिग शार्पनर है और ये एक हनी बी जैसे लुक में है। चलो इसको भी ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं साइड से, यहाँ पे इसको टेप से सिक्योर किया गया है। तो यहाँ पे पूरी पेंसिल पाउच यहाँ पे पेंसिल शार्पनर को ओपन कर लेंगे और देखेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। सो चलो भाई कितना प्यारा है, कितने अच्छे से इसको पैकेज की गई है। सो ये पूरा पैकेज ओपन हो जाए फिर हम इसको यूज करेंगे। सो इस साइड से, इस साइड से भी हम टेप हटा लेते हैं। सो ये यहाँ पे हो गया है ओपन और इसको करते हैं अब हम साइड में, हम अपने शार्पनर की तरफ चलते हैं। ये है शार्पनर जो कि बिल्कुल एक बी की तरह लग रहा है, हनी बी जैसा, जिसमें मुझे बैक साइड में यहाँ पे हैंडल भी मिल जाता है। देखो यहाँ पे ये हैंडल हमें मिल जाता है जिसे हम यहाँ पे अपनी पेंसिल शार्पन कर पाएंगे। और यहाँ पे भी हमें मिलता है फ्रंट लुक पे एक
होल, तो इसमें हम अपनी पेंसिल को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और बैक साइड से अपने इस शार्पनर को यहाँ से शार्पन कर लेंगे। इस तरीके से आपकी पेंसिल भी शार्पन हो जाएगी और सारा डस्ट कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बैक साइड में, जिसमें हमें मिलता है ये एक और ड्रॉअर। यहाँ पे सारा डस्ट आपका कलेक्ट हो जाएगा। देखो इसके ऊपर शार्पनर लगा हुआ है, तो ऐसे ही सारा डस्ट उसमें कलेक्ट करने के बाद उसे आप क्लीन कर सकते हैं और इसको रख सकते हैं हम वापस साइड में। नेक्स्ट मेरे पास डॉम का एक ये सोकर शॉट वाला पेंसिल शार्पनर, देखो ये इसमें बनी हुई है ये फुटबॉल की पिक्चर, एक सॉकर की पिक्चर, और इसका MRP है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ में ये डॉम्स का प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे एक सॉकर के लुक का शार्पनर है। इसे भी चलिए ओपन करते हैं। मेरे पास है ये येलो कलर का, आपको मार्केट में इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। मुझे तो येलो कलर पसंद आया तो मैंने येलो कलर ही लिया। ये देखो ये बिल्कुल फुटबॉल जैसा लुक, जिसके ऊपर बना हुआ है ये ट्रांसपेरेंट लुक, और नीचे की साइड में मिल रहा है ये येलो कलर का लुक जिसमें हमें पेंसिल मिल जाती है। सो यहाँ पे आप अपनी पेंसिल डाल के शार्पन कर सकते हैं। देखो इसके अंदर सारा डस्ट क्लीन हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और देखिए ये इसको ओपन करके आप यहाँ से सारा डस्ट क्लीन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और प्यारा सा ये सॉकर लुक का शार्पनर जो कि है टॉम्स का ही प्रोडक्ट। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये एक हाइलाइटर जो कि है यहाँ पे येलो कलर का आइसक्रीम लुक का हाइलाइटर, जो कि देख कर बिल्कुल आइसक्रीम जैसा लगता है, जैसे मिल्क आइसक्रीम या फिर यहाँ पे क्यूट सी आइसक्रीम हो, वो भी मैंगो फ्लेवर की। इसको ओपन करते ही ये मिल जाता है येलो कलर का बिग यहाँ पे हाइलाइटर, जो कि देखो कितना इजी टू यूज़ है। एक और हाइलाइटर मेरे पास है जो कि बिल्कुल आइसक्रीम जैसे लुक का दिखता है। इसके नीचे हमें ये पूरा कॉर्न का लुक मिलता है और इसके ऊपर आइसक्रीम जो कि यहाँ पे है येलो कलर के ही लुक में। इसे ओपन करते ही यहाँ भी मुझे मिलता है येलो कलर का हाइलाइटर। सो कैसे लगे ये हाइलाइटर। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये एक मिल्क टी वाले लुक की ये येलो कलर की पेंसिल बॉक्स, जिसके ऊपर बनी हुई है क्यूट सी गर्ल, जिसके पास है यहाँ पे मिल्क वाली टी, और देखो ये बैक साइड से बिल्कुल प्लेन लुक में है। ये पूरी पेंसिल बॉक्स में मुझे मिलता है एक यहाँ पे हमारा पासवर्ड, जिसे हम पासवर्ड से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका पासवर्ड है 346, तो हम इसको 346 को ओपन करेंगे और ये पेंसिल बॉक्स हो गई है ओपन। तो यानी ये पासवर्ड से प्रोटेक्ट रहेगा आपका पूरा पेंसिल बॉक्स। इसमें मुझे मिलते हैं दो दो कंपार्टमेंट, यहाँ पे फर्स्ट व्हाइट लुक का और ये सेकंड येलो कलर का, तो इसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स आप रख पाएंगे। तो ये टू टू कलर वाले ये पूरे आपका स्पेस जिसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। इस बटन को वापस ऑन करिए और ये पेंसिल बॉक्स हो गया है बिल्कुल बंद। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये क्यूट सा एक लैम्प जो कि है एडजस्टेबल लैम्प, देखो इसे कैसे भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर बनी हुई है ये क्यूट सी प्यारी सी येलो कलर की पिक्चर, जिसमें ये क्यूट सा एनिमल लग रहा है। इसके नीचे हमें 4 टायर्स भी मिल जाते हैं, आप इसे अपने टेबल पे बहुत ईजिली रख सकते हैं। इसके साथ हमें यहाँ पे मिलता है ये पेन स्टैंड, जिसमें आप अपनी पेंसिल पेन यहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये चार्जिंग स्लॉट, जिसमें आपका ये लैम्प चार्ज हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे एक छोटा सा बटन मिलता है, जिससे आप ये यहाँ पे चार्जिंग करने के बाद इसको यूज कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी चार्ज करके रखा हुआ है, देखो कितना ईजिली यहाँ पे आपका ये लैम्प चल गया, और इसको आप कैसे भी यहाँ पे ऑन करके अपने टेबल पे रख के एडजस्ट कर पाएंगे। सो बहुत ही अमेजिंग क्यूट एडजस्ट करने वाला एडजस्टेबल ये लैम्प। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे येलो कलर का एक और क्यूट सा स्टेशनरी सेट, जो कि है यहाँ पे फॉक्स के लुक में। इसके ऊपर ये पूरा फॉक्स का लुक बना हुआ है जो कि साइकिल चला रही है। तो चलिए इसको भी ओपन करते हैं। इसको ओपन करते ही इसमें मिलते हैं कुछ अलग ही डिफरेंट कलर के, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हमारा स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स, और इसमें क्या क्या मिलता है चलो देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या मिल रहा है। सो ये सारे प्रोडक्ट्स ही इसमें मिल रहे हैं, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे बेसिक प्रोडक्ट्स ही हैं। इसमें सबसे पहले मिलती है ये एक इरेजर, जिसके ऊपर बनी है ये फॉक्स की ये पिक्चर। नेक्स्ट इसमें मुझे मिलता है ये एक शार्पनर, जो कि है येलो कलर का क्यूट पेंसिल शार्पनर। नेक्स्ट इसमें मुझे मिल रही है 4 पेंसिल्स, जो कि है येलो एंड ऑरेंज कलर के लुक में, जिसके ऊपर यहाँ पे बनी हुई है फॉक्स की पिक्चर्स। नेक्स्ट इसमें मुझे मिलता है ये एक पेंसिल ग्रिपर, वो भी फिश के लुक का, जिसे हम पेंसिल डाल करके फिश में यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ये है एक क्यूट सा पेन जो कि है ट्रांसपेरेंट येलो कलर में, इसे आप टिप टॉप पेन यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर इसको बंद कर सकते हैं। लास्ट में इसमें मुझे मिलता है ये एक स्केल, जो कि 2-in-1 स्केल है गाइस। ये देखो यहाँ पे मिलता है 1 to 15 cm का स्केल, और इसके बाद है यहाँ पे 16 to 30 cm, जिसमें हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी मिल रही है, हार्ट यहाँ पे ट्रायंगल स्क्वायर सारी शेप्स मिल रही है। सो आप इसको बढ़ा करके 30 cm भी यूज कर सकते हैं या फिर इसको 15 cm की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो ये काफी अमेजिंग स्टाइलिश स्केल, कैसा लगा गाइस आपको? दोस्तों कैसे लगे आज के ये सारे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, आपको अच्छे लगे ना तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स बताना। और इन सब में से सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, या फिर इनमें से कोई ऐसा स्टेशनरी प्रोडक्ट है जो आपके पास भी है, तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।